रहा है, नहा धो के दे दी। हेलो आरुष, अच्छा बताओ आप नहीं जाएंगे आप मम्मा के साथ? चिज्जी भी नहीं खाएंगे? ये ना डर रहा है कि मुझे इंजेक्शन लगेगा। बज्जी भी जाएंगे, चॉकलेट भी लेंगे बज्जी? सच्ची में ठीक नहीं होना, आपने स्कूल नहीं जाना, बड़ी बड़ी चॉकलेट नहीं खानी। देखो आज सब चीज़ के लिए मनाए, फिर फ़ोन बंद कर दो, नहीं जाना तो फ़ोन बंद कर दो जल्दी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, लेकिन कुछ दिनों से परेशान हो रखी हूँ। आरुष के थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसी के टेस्ट चल रहे हैं, इसीलिए हम लोग हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। और डॉक्टर ने क्या बोला है मैं आपको आगे बताऊँगी, तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। आरुष कैसे हैं आप, क्या कर रहे हो? देखो ये बेचारा, आपको क्या हुआ आज बता दो यहाँ पे सबको बता दो। तो यहाँ पे और उसको आज इंजेक्शन लगा, इसको ड्रिप लगी है। दर्द हुई आपको? क्या बोला डॉक्टर ने? तो ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन आरुष को ड्रिप लगी थी, लेकिन वो परेशान कर रहा था, तो मैंने आरव को बोला कि उसको देखे, अगर वो हाथ ज़्यादा इधर उधर करेगा ना तो उससे ब्लीडिंग भी हो सकती है उसके हैंड में। तो इसीलिए आरव उसका ध्यान रख रहा है, अच्छे से उसको खिला रहा है, उसका ध्यान दे रहा है। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? बोलते हैं ना कि बड़ा बेटा होना या बड़ी बेटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, छोटे भाई का या छोटी बहन का अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको आरुष को हुआ क्या है। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह ज्ञानी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, और कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ क्योंकि हमारे जो परिवार में हमारे रिश्तेदार में किसी की डेथ हो रखी है, इसीलिए अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे ब्लॉग शेयर करूँ। लेकिन अभी 5-6 दिन हो चुके हैं तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता दूँ कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ। और जो पिछले ब्लॉग हैं वो मेरे आई थिंक जो 25-26 के ब्लॉग हैं जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, शेड्यूल में थे तो मैंने सोचा अब शेड्यूल में है तो उसको जाने देते हैं। नहीं तो बोलते हैं ना कि जो अपना काम है, काम तो खैर करना ही पड़ता है। और आजकल थोड़ी सी आरुष की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसके जो टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड हुआ, जिसमें मुझे पता चला कि आरुष को है इन्फेक्शन, जो कि है यूरिन इन्फेक्शन, इसीलिए उसको इंजेक्शन लग रहे हैं। तो बच्चे तो परेशान करते ही हैं, इसीलिए मैं इतने दिन से ना ही कोई ब्लॉग बना पा रही थी ना ही कुछ। और घर में सभी थोड़ा बहुत परेशान थे आरुष को लेकर, क्योंकि जब वो रोता है ना तो सभी परेशान हो जाते हैं, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बोल रहे हैं कि एक तो मैं इतने दूर हूँ और बच्चों को देख भी नहीं पाता हूँ, और इस तरीके से बच्चे बीमार होते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि अब बच्चे हैं तो बीमार थोड़े बहुत तो होते ही हैं, क्योंकि खांसी जुकाम ऐसी चीज़ें तो होती ही हैं, और इतनी बड़ी कुछ है नहीं, बस उसको 5 दिन तक इंजेक्शन लगाना है इन्फेक्शन का, और उसके बाद वो हो जाएगा एकदम बढ़िया, एकदम गुड टू गो, स्कूल जाएगा उसके बाद। अभी इनकी 5-6 दिन की हॉलीडे पड़ी है, क्योंकि बाहर जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, यानी कि यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो हो चुका है, तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए उसकी वजह से जो हमारे DM हैं उन्होंने यहाँ पे हॉलीडे की है। तो बस यही सब चल रहा है, तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ, जो भी होगा जैसा भी होगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हाँ, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे ना, है ना? डन कर दो, डन। यहाँ पे आरव, हेलो आरव, यहाँ पे मम्मी रेडी होके हैं। तो बाहर है बहुत ज़्यादा धूप, और हम लोग अभी निकले हैं, वहाँ पे लग रहा है ताला, और अब तक से जाते हैं, आरुष का जो इंजेक्शन है वो लगाना है तो वो लगाते हैं, उसके बाद फटाफट से आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। देख हुआ दर्द? हुआ नहीं? तो आरुष का इंजेक्शन लग चुका है, और अब हम लोग जा रहे हैं घर। बाहर इतनी ज़्यादा धूप है ना कि मैंने घर आते ही बच्चों के लिए नींबू पानी बनाया, जिसमें मैंने डाला जो ये पुदीने के पत्ते हैं, इससे बहुत अच्छी ठंडक मिलती है और बच्चों को बहुत अच्छा भी लगता है। लिख रहा है आरुष स्मॉल ABCD, और उसका थोड़ा सा रह गया, फटाफट से लिखेगा। वहाँ पे भी आरुष आरव कर रहा है अपनी स्टडी, उसका मन नहीं है करने का, लेकिन रिवीजन एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है तो फटाफट से कर रहा है। अच्छे से करो,
कैसे बनाए, कैसे बनाए आरुष? तो जब ये घर में रहते हैं ना तो हाथ से ही खाना खाते हैं दोनों अच्छे से। आरु अब आपका हाथ ठीक है? ठीक। A few moments later. टाइम हो चुका है 4 बजे का और यहाँ देखो ऊपर धूप देख सकते हैं आप, कितनी ज़्यादा धूप हो रही हो, माय गॉड। और यहाँ पे पता नहीं क्या हो रखा है, पानी का शायद पाइप फूट गया है तो ये कंप्लेन करनी पड़ेगी। ओ माय गॉड, यहाँ देखो पशु कितनी गर्मी में बाहर ही बैठे हैं, तो ये देखिए पूरा पानी का पाइप यहाँ पर फूट गया है। तो चलिए फटाफट से आरब को मैं जाती हूँ ट्यूशन छोड़ के आती हूँ। तो हम ले रहे हैं प्लांट, प्लांट आया है तो यहाँ हो गए बच्चे इकट्ठे, ये सारे लिए हमने ले लिया है प्लांट। तो यहाँ पे मैंने पॉट और प्लांट्स ले लिए हैं और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। होप आज की वीडियो, आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और अपने बच्चों का खूब से अच्छे से ध्यान रखिएगा और उनको खूब सारा पानी पिलाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ, अब तक ले बाय दोस्तों।